क्स्ट मूव फर्दर विद डेट ऑब्जेक्ट इन जावर स्क्रिप्ट देर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ डेट्स फॉर्मेट जो कि हम यूज करते हैं जावर में. में आई एसओ डेट्स लॉन्ग फार्मेट एंड डेट का और सीधा शॉर्ट डेट फॉर्मेट हमारे पास आई एसओ डेट फॉर्मेट हमारे पास आई एसओ डेट फॉर्मेट जो है इसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है हमारे पास कि हम पहले ईयर मेंशन करते हैं देन मंथ उसके बाद डेट हमारे पास ईयर के लिए चार करेक्टर्स होते हैं इसी तरह मंथ के लिए दो और स्पेसिफिक डेट के लिए दो हमने यहां पे तीन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने क्रिएट किया है डेट का ऑब्जेक्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये है कि हमनेकेंड so हमारी एग्जाम्पल है इसमें हमने डेट नहीं दी हमने सिर्फ और सिर्फ ईयर और मंथ दिया है रिमेम्बर कि हम इस तरह से भी इसको डिफाइन करते हैं सिर्फ जो हमें चीज का ख्याल रखना है वो ये कि हमेशा जीयर सबसे पहले आएगा उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट इसी तरह आईएसओ डेट फॉर्मेट में हम अगर टाइम मेंशन करना चाहें वी कैन ऑल्सो डू दैट यूजिंग दिस सिंपल टी हमने यहां पे यूज किया है और इसके बाद हमने यूडीसी फॉर्मेट में टाइम को स्पेसिफाई किया है देन वी हैव लॉन्ग डेट फार्मेट लॉन्ग डेट फार्मेट जो है इसमें भी हम सबसे पहले मंथ मेंशन करते हैं देन डेट एंड देन ईयर रिमेम्बर के हम इसके अंदर जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम चाहें तो डेट पहले और उसके बाद मंथ मेंशन कर सकते हैं ये हमें और ये भी अलाउ करता है कि हम चाहें तो मंथ का नाम जो है वो फुल लिखें या लाइक जनवरी या उसको एज अ एब्रीवियेशन फॉर्म में लिखें हम इसके अंदर अगर डिफरेंट कॉमा यूज करेंगे तो वो भी इग्नोर हो जाएंगे इसी तरह स्पेस इस भी इग्नोर हो जाएगी सिमिलरली दिस इज ए केस इन सेंसिटिव तो अगर हम मंथ को किसी भी केस में लिखेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड मंथ देन वी हैव शॉर्ट डेट फॉर्मेट शार्ट डेट फार्मेट में हम यूज करते हैं आइदर स्लैश और डैश मंथ सबसे पहले हमारे पास आता है उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर. रिमेम्बर कि हम इसके अंदर इसको जॉबर uh, स्क्रिप्ट हमें ये भी अलाउ करती है कि अगर हम चाहें तो ईयर को पहले उसके बाद स्लैश एंड देन मंथ एंड देन डेट यूज कर सकते हैं जस्ट जो इम्पोर्टेंट जिसमें सिर्फ चीज है वो ये है कि हमेशा मंथ जो है वो डेट से पहले यूज होगा जस्ट लाइक इन डेट फॉर्मेट डेट के हमारे पास डिफरेंट uh, मेथड्स होते हैं गेट के और इसी तरह सेट के हम गेट के मेथड्स uh, के जरिए उसकी स्पेसिफिक कोई भी वैल्यू जो है उसको गेट कर सकते हैं जिससे हम उसका स्पेसिफिक डे ले सकते हैं एज अ नंबर फ्रॉम वन टू थर्टी वन इसी तरह गेट डे जिसमें हम उसका वीक डे ले सकते हैं फ्रॉम जीरो टू सिक्स जीरो रिप्रेजेंट मंडे इसी तरह हमारे पास गेट फुल ईयर और गेट आवर्स गेट मिली सेकेंड गेट मिनट्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद मतलब से हम कोई भी स्पेसिफिक पार्ट गेट गेट कर सकते हैं डेट का इसी तरह गेट मंथ गेट सेकेंड और गेट टाइम रिमेंबर के गेट टाइम हमें रिटर्न करेगा मिली सेकेंड में उस पर पूरी डेट के टाइम को

इसको एग्जांपल के जरिए जरा और बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं लाइक like यहां पे हमने एक डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसमें डेट के ऑब्जेक्ट में चार दिन ऐड कर दें तो हमने डेट के जो ऑब्जेक्ट था जो कि आज की डेट से क्रिएट हुआ उसकी हमने डेट ली और उसमें हमने स्पेसिफिक चार दिन ऐड किए और हमने उसको सेट कर दिया उसी ऑब्जेक्ट के अंदर सेट डेट के मैथड में तो हमारे पास यहां पे जो भी नंबर आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आज नौ तारीख है तो वो नौ तारीख के अंदर चार ऐड करेगा और उसको थर्टीन्थ में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद सेट कर देगा उसको उसी डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ डेट में जो डेट है स्पेसिफिकली वो चेंज हो जाएगी हमारे पास रिमेंबर कि हम अगर डी uh, डॉट गेट डेट जब करते हैं तो हमारे पास सिर्फ डेट आ रही है हम अगर इसके अंदर सेट करेंगे तो वो हमें जो रिटर्न वैल्यू होती है वो सेपरेट लिटरल होता है वो उस स्पेसिफिक डेट और ऑब्जेक्ट से साथ एसोसिएट नहीं होता हम किसी भी स्ट्रिंग को डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है दैट मस्ट बी दस मस्ट फॉल इन आइसो फॉर्मेट या लॉन्ग फॉर्मेट या शॉर्ट फॉर्मेट में से किसी एक में होना चाहिए और वो हमें डेट के जो ऑब्जेक्ट है उसका हमारा मेथड है पार्स जो कि उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग को लेता है और उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है डेट के जिसको फिर हम फर्दर डेट के ऑब्जेक्ट को दे एक डेट का नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और चाहें तो फिर जो चाहें एक्शन पे डेट के ऑब्जेक्ट के वो परफॉर्म कर सकते हैं लाइक इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद है मार्च ट्वेंटी फर्स्ट कॉमा टू ये यूजर इनपुट भी हो सकता है हमारे पास और किसी और सोर्स से भी आ सकता है अगर हम उसको ऊपर डेट के जो डिफरेंट मैथड्स हैं वो कुंभ में से कोई भी मैथड परफॉर्म करना चाहते हैं तो वी कैन सिंपली कन्वर्ट इट इड अ डेट ऑब्जेक्ट यूजिंग पास मैथड लाइक यहां पे हमने उसको पास के मैथ से उसके मिली सेकंड गेट किए और उस मिली सेकंड को डेट के कंस्ट्रक्टर में देके डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है देन वी कैन आईदर यूज इट टू डिस्प्ले द डेट और परफॉर्म एनी फंक्शन दैट वी डिजायर हम डेट के जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जावाबा स्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन uh, है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान नहीं होता लेकिन डेट जो है इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि इंजावा स्टेप हमें अलाउ करता है कि हम डेट के ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं लाइक like, इस एग्जांपल में से इसको समझते हैं कि हमने यहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन अप्लाई किया है दो डेट्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि ऑटोमेटिकली इसके उनको खुद ही मिली में कन्वर्ट करके उस डेट को उसमें कंपेयर करेगा कि वो पर्टिकुलर डेट जो है वो उसपे जो भी हमारे हमने यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन जो भी हम चाहें तो यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर हमने अप्लाई किया है उसके हिसाब से वैल्यू क्या आती है उसकी सो दिस इज ऑल अबाउट डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट